बनी है उस मानसिकता को तोड़ने का काम आज आपने दिखलाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के बराबर हमारे प्रवक्ताओं ने कहा व्यवसायिकों के लिए, व्यवसायी के लिए सिर्फ उनको पद और उनको सम्मान ही देने का काम नहीं किया बल्कि उनकी रक्षा और उसको उचित स्थान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता लालू यादव ने करने का काम किया। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो व्यवसायी के ही संतो प्रसाद टेकरीवाल वित्त मंत्री बनते हैं और व्यवसायी वर्ग से ही आने वाले चीफ सेक्रेटरी मुकुंद प्रसाद बनते हैं और कई विभागों के प्रधान सचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बनते हैं। इसलिए नहीं कि कोई देख करके उनका एहसान कराने का काम किया, उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों तक जो व्यवसायिक लोग हैं, जो वैश्य समाज के लोग हैं, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया, जिनको सिर्फ समझा बुझा करके उनको लोक लिभावन देकर के सिर्फ उनको यूज और थ्रो करने का काम किया गया, उनके जो अधिकारों का हनन हुआ उस अधिकारों को देने का काम लालू यादव ने करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सेना सेनानी सबको मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अभी जो बैठक चल रही है व्यवसायी प्रकोष्ठ की, ऐसी ही एक बैठक व्यवसायी प्रकोष्ठ की तो नहीं थी लेकिन व्यवसायियों के द्वारा रखी गई थी, जिसमें मैं भी गई थी और अशोक गुप्ता सर भी थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, जो लोग भी मंच पर आकर के भाषण दे रहे थे, वो उनका भाषण क्या था कि सर हमें व्यवसायी हम लोग हैं, हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, हम जिंदा कैसे रहेंगे, पर का लाइसेंस दिलाइए, हमें रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलाइए। यानी अगर 20 लोगों ने अशोक गुप्ता सर के बोलने से पहले बोला होगा तो यह भी बात बोला था कि हमें लाइसेंस दिलवाइए, अपराध है ये या वो है, जो भी इस तरह की बातें उन्होंने कर रहे थे। उस वक्त तक हमारी सरकार नहीं आई थी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आए थे, एनडीए का गठबंधन चल रहा था, हमारी गठबंधन नहीं। उसके बाद मैंने सुना, सर ने भी बताया जो बताना था बताया, पुलिस में अनुभव है, लाइसेंस के बारे में सारी चीजें बताई, मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा कि सुरक्षा किसकी होती है, सुरक्षा जिंदों की होती है, मुर्दों की सुरक्षा नहीं होती। अगर लड़ना है तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, आप जब व्यवसायी नहीं नहीं जाएंगे तो सुरक्षा का सवाल कहां उठता है। अपने व्यवसाय को जीवित रखने के लिए आपको आपका व्यवसाय जीवित रहना चाहिए, तब आप व्यवसायी हैं। और व्यवसायी आज हालात क्या है, मैंने बताए थे कि जैसे बॉरी रोड चौराहे पर, जैसे सपोज करो कि कहीं पे 10-12 सुनार की दुकानें हैं, ज्वेलर्स की दुकानें हैं। मैं बचपन में मैंने वो हालात भी देखे हैं जब बोरियों में 2-3-4 बार पैसे जो है छोटे 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 दुकानों में भी पैसे घर में शाम तक बोरियों में भर के जाते थे, अब वो पैसा 8-10-20-25 गुलाबी नोटों में सिमट के रह गया। और वो सुनार की दुकानें दुकानदार बाहर आकर के देखते हैं कि कोई आ रहा है क्या दुकान में, कोई दुकान में हमारे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जा रहा है रियलायंस ज्वेलर्स में, क्योंकि रियलायंस ज्वेलर्स में उनको चीजें किफायती मिल जाएंगी। बड़ा शोरूम में एक जगह पे चले जाएंगे तो सुनार को कौन पूछेगा, रियलायंस ज्वेलर्स है ना, कपड़े की दुकान। बल्कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ सुनाने के लिए जो बातें यहाँ आपके सामने रखी जा रही है, वो बातों को लोगों को सुनाएंगे। आप एक स्थान पर बैठते हैं व्यापारी के रूप में, या अनेकों लोग आते हैं आपसे मुलाकात करते हैं और ये आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, क्योंकि बीच में समाजवाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद जी और भविष्य वर्तमान के नेता तेजस्वी जी की बात कैसे हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं। अभी आप अपनी बातें वहां सुनाना शुरू कर रहे हैं तो आप ही की वो क्षमता है कि बहुत गौर करनी पड़ेगी। हर बात
गांव के पूरे मोहल्ले पे चली जाए। साथियों को याद रखो, गांव के चाहे दुकान पर बैठा हुआ इंसान शक्ति पर हो, देते हुए आज मिलन, आज के मिलन समारोह के बारे में बताएंगे। जी मैं, मेरा नाम रंजीत कुमार शाह, मेरा घर मुजाहिदपुर पोस्ट प्रवक्ता थाना प्रवक्ता जिला खगड़िया का निवासी हूँ। अच्छा। और मैं पहले ऑलरेडी पैरामिलिट्री में था। अच्छा अच्छा। और मैं वहीं से, मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ने का काम किया, उसमें अपनी पत्नी का को खड़ा करवाए। और चाहेंगे कि आज जो मिलन समारोह हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैंने काफ़ी दिन से ये था कि मैं आरजेडी का सदस्यता लूँ। अच्छा, देखा जाए तो आप लोगों को सम्मानित किया गया है और सदस्यता ग्रहण कर आप लोग किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी को मजबूत करेंगे, हम बहुत दिन से पहले से भी सोचते हुए आ रहे थे कि हम अपने इसमें जब भी ज्वाइन करेंगे, और पहले से भी जब भी साइड से थे उस टाइम भी मैंने काफ़ी पार्टी के लिए काम किया। अब तो सदस्यता मिल गया है तो मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी और मजबूत हो। और 2024 के लोकसभा क्या कहेंगे इसके ऊपर? 40 का 40 सीट। अच्छा, हम लोकसभा चुनाव में जी एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है 40 के का पब्लिक जो है इस चीज को जान चुका है, जो झूठे वादे झूठी बातें कह के और निकल जाना वो चीज बखूबी समझ चुके हमारे देश के जनता ने। एक बार अपना सदस्यता ग्रहण किए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो राष्ट्रीय जनता दल का व्यवसाय पर कोष का जो सम्मेलन था, जी जी, उस सम्मेलन में हम लोग जितने वैश्य समाज के और अति पिछड़ा समाज के आए हुए थे सभी को सम्मानित किया गया, और सम्मानित के साथ साथ हम लोग सदस्यता ग्रहण भी लिए दल बल के साथ। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू जगदानंद सिंह के अध्यक्षता में हम लोग सदस्यता लिए हैं। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है इसके ऊपर आप किस तरह से? 2024 का लोकसभा चुनाव में हम लोग इस बार बिहार में गूंजेगा। अच्छा, सिर्फ तेजस्वी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, और इस बार उम्मीद है कि 40 सीट से पार रहेगा। 40 के 40 सीट रहेगा। बिल्कुल, पिछले बार तो हम लोग बहुत मिस कर गए थे, बहुत ज्यादा धोखा खाए थे। अच्छा। इसलिए इस बार तो 40 सीट में 40 सीट हम लोग कन्फर्म पूरे दल बल के साथ जीतने का काम करेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं बोधगया प्रखंड प्रमुख पति सुदेश कुमार, जनता दल का सिपाही के रूप में मैं खड़ा किया है। अच्छा। बोधगया प्रखंड प्रमुख, हमेशा साथ देंगे। हाँ। अच्छा। इनको राष्ट्रीय जनता दल में ही रखेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल में हिलने नहीं देंगे? नहीं हिलने देंगे, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। प्रमुख प्रखंड बनाने में इनको पूरा पूरा सहयोग आप रहा है? सहयोग दिए हैं। पूछा जाए, क्या लगता है आने वाले समय में अगर भविष्य में इनको कहीं से टिकट मिलता है तो इनको किस तरह सहयोग किया जाएगा? पूर्ण रूप से एकदम जिला जिताने का प्रयास किया जाएगा, और इनको सरघाटी विधानसभा से इनको विधायक भी बनाने का इस बार काम किया जाएगा। जोरदार इधर देखिए, अभी सो दिया हमारा टाइटल क्या भरत प्रसाद गुप्ता, शिव समाज सेवी, आयुष।